आपको ये देखना है कि रजिस्टर ट्रांसफर एंड माइक्रो ऑपरेशंस होता क्या है। सो ये है हमारा चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है रजिस्टर ट्रांसफर एंड माइक्रो ऑपरेशंस। सो रजिस्टर क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। इट इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग सर्टेन बिट ऑफ डेटा, वी कैन से एन बिट ऑफ डेटा। पर जब आप उसको थेरेटिकली पढ़ रहे होते हो तो उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, दैट हाउ डू वी रिप्रेजेंटेड, हाउ डू वी राइट द स्टेटमेंट्स। ठीक है, सो इसमें क्या है, आपके पास जो इंटरनल हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर है उसमें हमारे पास सेट ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन होते हैं जो हम लिख के बताते हैं कि क्या क्या करना है टू सॉल्व अ पर्टिकुलर टास्क, एंड वी हैव कंट्रोल दैट इनिशिएट्स द सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिखाना है कि एक रजिस्टर दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। ये देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, R1, ये एरो R2 की तरफ है। इसका क्या मतलब हो गया कि R1 इज कॉपीड टू R2। तो जो भी डेटा R1 में है वो सेम डेटा आपका R2 में कॉपी हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज एज सिंपल एज दैट, इतना लिख सकते हैं हम। पर इसके अंदर फिर से आपके पास कंडीशन भी आ सकती है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही ट्रांसफर हो, अदरवाइज ट्रांसफर ना हो, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, P:, R2 एरो R1। इसका मतलब क्या है कि अगर P1 हुआ तो R1 की वैल्यू R2 में ट्रांसफर होगी, लेकिन अगर P1 नहीं हुआ तो R1 की वैल्यू R2 में ट्रांसफर नहीं होगी। सो हम जो कंडीशन है वो लिखते हैं कोलन, और उसके बाद अपने रजिस्टर ट्रांसफर स्टेटमेंट लिखते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रांसफर होता है, नहीं तो नहीं होता है। रजिस्टर को ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। आप एक रजिस्टर को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि एक रेक्टेंगल बनाओ, अंदर रजिस्टर का नाम लिख दो, या आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि रजिस्टर 8 बिट्स का है तो आप 0 1 2 3 4 5 6 7 लिख दो कि ये रजिस्टर की बिट्स हैं, या आप रजिस्टर का नाम अंदर लिख के यहाँ से 0 और यहाँ पर अपना फाइनल बिट नंबर लिख सकते हो। अगर आपके रजिस्टर के डिफरेंट पार्ट्स हैं, कुछ एक पार्ट कुछ और स्टोर करने के लिए यूज हो रहा है, कुछ और के लिए यूज हो रहा है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 0 to 7, 8 to 15, लाइक दैट। ठीक है, सो ये क्या हो गया, लोअर बाउंड, ये हो गया हायर वाला। सो वी कैन राइट द नेम्स लाइक दिस। अब ये तो सिर्फ तरीका है कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डायग्राम के थ्रू आप यहाँ पर देख पा रहे हो। यहाँ पे क्या है, कंट्रोल पी जा रहा है, अगर पी ऑन हुआ, पी को हम कैसे भेज रहे हैं, एज अ लोड इनपुट, अगर ये 1 हुआ तो R1 की n बिट्स R2 में ट्रांसफर हो जाएंगे। ये जितने भी रजिस्टर्स होते हैं ये सिंक्रनस होते हैं, सिंक्रनस मतलब ये सिस्टम की क्लॉक के हिसाब से चलते हैं। तो जब सिस्टम की क्लॉक होगी, जब ये राइजिंग एज पे होगा तभी ट्रांसफर होगा, अदरवाइज नहीं होता। तो ये क्लॉक 1 होनी चाहिए एज वेल एज P1 होना चाहिए तो ये डेटा मेरा इसमें ट्रांसफर होगा, अदरवाइज ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट इट। अब दो काम अगर हो रहे हैं तो कॉमा देके लिख सकते हैं, दिस इज स्वैपिंग ऑफ टू रजिस्टर्स। तो हमने क्या लिखा, T:, R1 R2 में चला जाए, R2 R1 में चला जाए, तो साइमल्टेनियस होता है, तो ये हो जाएगा, दिस विल स्वैप द टू रजिस्टर्स इफ T:1। ठीक है, अब ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आप लेटर्स एंड न्यूमरल्स को यूज कर सकते हो टू गिव अ रजिस्टर नेम, जैसे MAR R2, सो दैट कैन बी यूज्ड। अगर आपको स्पेसिफिक बिट्स को रेफर करना है तो राउंड ब्रैकेट के अंदर हम बिट्स लिख सकते हैं कि हम इस बिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं रजिस्टर की, एरो इज टू ट्रांसफर एंड कॉमा इज टू शो मल्टीपल माइक्रो ऑपरेशंस। तो ये तो सिर्फ वे हो गया हाउ डू वी राइट RTL, दैट इज रजिस्टर।